हाय दोस्तों मैं हूं आपके साथ यास्मीन बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी अब केवल हिंदी और साउथ दर्शकों के बीच तक ही सीमित नहीं रह गई है रजनीकांत के साथ आई उनकी फिल्म 2.0 ने साउथ के दर्शकों को भी उनका दीवाना बना दिया था जिस कारण वहां के दर्शक भी उनकी फिल्में देखने के लिए काफी बेकरार रहते हैं हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी दिवाली दो रिलीज पृथ्वीराज का ऐलान किया था जो यशराज बैनर के तले बन रही है इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है जिस कारण से पूरे देश में पृथ्वीराज फिल्म का इंतजार किया जा रहा है दिवाली 2020 पर अक्षय कुमार के बड़े ऐलान के बाद साउथ सुपरस्टार थाला थालाजीत ने भी अपनी अपकमिंग फिल्म वाली माई का ऐलान कर दिया है साउथ सुपरस्टार अजित अपनी नई फिल्म को अक्षय कुमार के साथ ही दिवाली 2020 के मौके पर रिलीज करेंगे वहीं इस ऐलान के बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स दंग रह गए हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है कि अगले साल दिवाली के मौके पर कौन सा स्टार बाजी मारता नजर आएगा भले ही दोनों सुपरस्टार्स अलग अलग इंडस्ट्री से आते हों लेकिन इस बड़े क्लैश के कारण दोनों फिल्मों के बिजनेस पर असर तो जरूर पड़ेगा वैसे भी अगले साल दिवाली पर अक्षय की पृथ्वीराज और अजित की वाली माई के अलावा कंगना की धाकड़ भी रिलीज होने वाली है ऐसे में अक्षय कुमार के खिलाफ दो दो बड़ी फिल्में खड़ी हैं। वैसे हाल ही में अक्षय ने अपने फिल्म पृथ्वीराज के बारे में बात करते हुए बताया था ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने जा रहा हूँ एक देशवासी के तौर पर हमें अपने देश के बहादुर योद्धाओं को सेलिब्रेट करना चाहिए पृथ्वीराज अपने समय के अकेले ऐसे योद्धा थे जो दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहे उनकी यही निर्भकता उन्हें देश का सबसे बड़ा हीरो बनाती है वो बहादुरी आने वाली कई सारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी बता दें कि पृथ्वीराज में अक्षय के साथ साथ संजय दत्त और मानुषी छिल्लर भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे वैसे आप दिवाली 2020 पर किस सुपरस्टार की फिल्म देखने को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज शेयर दैट कहानी के पीछे, Sir, पीछे हाँ. आप कहा के पीछे सर यहाँ अच्छा आप यहाँ हाँ जी हाँ जी, हाँ जी क्या कहा था आपने सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज उसके बारे में बता देखिये बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में क्रिएटिव दुनिया में तो मेरा एक 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 सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक

It's you, huh? Okay. Uh, all right. So he, along with Azim Deyani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me they could call the film a good news. Oh, so I just said a good news is not incorrect English. You don't have a good news. It's good news. So they said then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man, and I felt that. They'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it. And they decided to call it NEWWZ. Personally, it's rather ridiculous. But uh, it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So well done, Raj. Thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spell man <laughs> at Dharma.

मुझे बहुत अच्छा लगा था आई स्टिल रिमम्बर कारण ये मुझे एक आ, कहानी सुनाने लाए थे तो ये मेरे घर पे आए हुए थे इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन डेढ़ पौने दो घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है फिर मैं बोला और क्या बना रहा है फिर कहता एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके बोला उसकी कहानी क्या है फिर उन्होंने करीबन दो मिनट सुनाई वो कहानी

<laughs> I, yeah, <laughs> that's the truth. I thought that I really wanted to, you know, do the film. It was funny. It was um, I couldn't stop laughing, and I, um, yeah, I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust uh, beyond, and uh, yeah, I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was, but I said, yeah, I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me and I was the last one on board so I knew all three of them were on board and I was like this is a huge opportunity for me to work with all of them this is my first film with dharma so that itself was a big moment for me and yeah I mean for me I'm like Karan said I'm the junior most here and there's so much to learn it's a character that raj has given me which he really worked with me on this one, and um, I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. Uh, <laughs> 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 Drop it, babe. Diljit actually uh, was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, it, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration, and Raj narrated. Kalaga लगा आपको Uh, मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे <laughs> लेने शायद के ले लेंगे नहीं।, नहीं फिल्म में <laughs> uh, तो मैं सुनने के लिए चला गया था क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म तो वो उसमें मैं नहीं था वो फिल्म करते तो शायद फिल्म अगर आप करते तो कुछ बताएंगे नहीं कौन सी थैंक यू थैंक यू सर नमस्कार मैं रेखा खान नवभारत टाइम्स से हाँ सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मज़ा आया देख के दो दो तीन तीन बार भी हम देख सकते हैं ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है हम हमेशा जब भी गुड न्यूज़ की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कुछ कोई मतलब कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज़ है लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है When his parcels of his shopping reaches door. <laughs> 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 ये मैं सभी से जानना चाहूँगी देखिए क्या है कि Uh, मुझे लगता है कि गुड न्यूज की जो कॉन्सेप्ट है ना मैं ज्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटी मैं उस किस्म का इंसान हूं कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि एक दो मिनट या पांच मिनट या पंद्रह मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूंगा तो वो गुड न्यूज का ज्यादा ऑफकोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जैसे मुझे अभी भी याद है मैन आई गॉट द इफॉर्मेशन ऑफ माई टू बेबीज दैट फेल्ट लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना गुड न्यूज के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज ही आ जाता है तो आई आयोलफीज की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज विद दैट मच जॉय एवर मुझे लगता है कि हमेशा केस के बाद कुछ बुराई ही होने वाला है। लेकिन गुड न्यूज़ का माँ बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे तो गुड गुड न्यूज़ 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 ये होता है है। जब एक एक्टर कम प्राइस कर दे, सबसे बड़ा wow. है। और वो वो और अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया <laughs> करीना आपके लिए क्या हो सकती है so लिए? लिए, uh, तो गुड

सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही एक मतलब पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए तो क्या इसके पीछे था इसके पीछे आपकी सोच क्या थी तो कि आ, एक फील गुड वाली मूवी दें या और कुछ आप सोच रहे थे आई एक्चुअली मैं जैसे अक्षय ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शन में ऐसी एक फिल्म दैट बी अ सोशल कॉमेडी जो भी हो इमोशनल भी हो हंसाए भी रुलाए भी और एक यू you नो know, एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में आज तक अच्छी धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है जैसे

i would actually make an intimate film akshay ne us film ko scale de dea, and i would actually think that's an amazing thing for a superstar to do to just look for content and not worry about its scale and its, you know, its opulence so i think that was my thought akshay sir uh, this uh, is faridun uh, on your right sir